नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के बिलेरियागंज थाना क्षेत्र के मधरापार रामपुर गांव के निवासियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपकर अपने बस्ती को उजाड़े जाने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बिलेरियागंज के बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर प्रभारी राम नारायण ने बताया कि मदनापार रामपुर गांव में हरजत आबादी चकबंदी के अभिलेखों में दर्ज है। यहां पर कई पुस्तों से यह गरीब परिवार रहते हैं, लेकिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगाई जा रही पानी की टंकी को इन्हीं की आबादी में बनवाया जा रहा है, जबकि ये लोग कई बार मांग कर चुके हैं कि ग्राम सभा में अन्य जो नवीन प्रति जमीन है वहाँ पर टंकी का निर्माण किया जाए, उनको ना उजाड़ा जाए। मामले में डीएम ने पहले उन्हें लोगों को भरोसा भी दिया था और मौके पर एसडीएम को भेजे जाने की बात भी कही थी, लेकिन आज तक ना एसडीएम पहुंचे ना तहसीलदार, केवल लेखपाल और कानगो वहां आते हैं, पुलिस फोर्स के साथ उजाड़ने की कोशिश करते हैं, रात में काम करते हैं, किसी ना किसी रूप में परेशान करते हैं और उनको वहाँ से उजाड़ने की साजिश रची जा रही है। सुनते हैं मामले में राम नारायण ने क्या कहा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिलरियागंज का सेक्टर अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी का। यह मधरापार रामपुर का मैटर है जो हरजन आबादी दर्ज है 45-45 में और इसको खाली करके लोग जो है यहाँ पानी की टंकी लगाने जा रहे हैं और कई बार डीएम साहब कहे कि नहीं बनेगा, वापस फिर बनवा रहे हैं ये लोग। रात रात को काम चालू करते हैं, जिस दिन बंद रहता है उसी दिन ज़बरदस्ती जाकर फोर्स ले जाकर के काम चालू करवा देते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पानी की टंकी न लगे, या तो लगे तो इन लोगों का जितनी जमीन जा रही है कहीं इसका व्यवस्था किया जाए, इनका मुआवजा देकर इनको कहीं बसाया जाए। इन लोगों के पास जमीन नहीं है? इन लोगों के पास जमीन नहीं है तो वहीं पे रहते हैं अपना? वहीं पे रहते हैं, आज भी रहते हैं वहाँ। बांस, खूटी, नल सब सब तोड़ करके लगा रहे हैं। कब से रह रहे हैं वहाँ? रात चार आवाज क्या नाम है कि ये जो कई पुस्तों से रह रहे हैं, जो क्या नाम है चकबंदी से बहुत पहले से रह रहे हैं वहाँ। इसकी शिकायत आप कहीं किए थे? इसकी शिकायत डीएम साहब के यहाँ की, डीएम साहब यहाँ की हुई थी और अभी डीएम साहब कहे थे कि नहीं नहीं वहाँ पे नहीं बनेगा और हम एसडीएम साहब को लिख रहे हैं, एसडीएम साहब को भेज रहे हैं मौके पर, आज तक एसडीएम साहब नहीं आए, न तहसीलदार आ रहा है, सिर्फ केवल जो है लेखपाल और कानगो जबरदस्ती फोर्स लेकर के आकर बनवा रहे हैं। आज आप लोग डीएम साहब से मिले हैं? आज डीएम साहब से मिले हैं, डीएम साहब कह रहे हैं कि आप लोग जाइए, हम एसडीएम साहब को कहते हैं पूरी करो। अरे कलेक्ट्रेट पे पतवत के जमीनी विवाद के लोग आए हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार। न्यूज़ 9 भारत चैनल पे बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी सारी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।